सफ़र जो धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। आओ मेरे संग कहानी बनाते हैं, चलो कहीं पे घुमाते हैं। आज हम जा रहे हैं, पहले तो अपना एक स्कूटी लेंगे, हमने स्कूटी बुक करके रखा हुआ था, और उसके बाद यहाँ से पुअर के लिए निकलेंगे, बैक वाटर का मज़ा लेंगे। और स्कूटी मैंने किस तरह से बुक किया है, मैं यहाँ से किस तरह से जाऊँगा, मैं एकदम रेलवे स्टेशन के पास में एक जगह है वहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो दोस्तों, त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है, इसे तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि संस्कृत शब्द त्रिविक्रम से लिया गया है और ये भगवान विष्णु की तरफ संकेत करता है। दोस्तों, ये वो स्कूटी है जो कि मैंने ऑनलाइन बुक किया था। अगर आपको त्रिवेंद्रम सिटी घूमना है तो आपके पास में तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे तो स्कूटी, बाइक या कार आप रेंट पे ऐसे ले सकते हैं, इसके अलावा आप बस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, एंड थर्ड ऑप्शन है कि आप कैब बुक करिए और सिटी घूमिए। और सबसे बजट अगर ऐसे बोलूँ तो वो बस का ही ऑप्शन है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। और सबसे कॉस्टली ऑप्शन की बात करूँ तो वो कैब या ऑटो हैं, जो कि मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में सब समझाता जाऊँगा। तो दोस्तों, अब हम अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि पुअर बैक वाटर राइड है। फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा कि जंगलों के बीच में नदी है, उसमें से बोटिंग हो रहा है। आज हम पहली बार उसे इसका एक्सपीरियंस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन से यहाँ बस से आते हैं तो ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपीज़ में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बस ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बस मिलने में समय लगेगा, और आपको यहाँ पहुँचने के बाद भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का वॉक करके यहाँ तक आना होगा, लेकिन काफ़ी बजट में होगा, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में आपको जो बता रहा हूँ कैब का, कैब बुक करके आप रेलवे स्टेशन से यहाँ आएंगे तो ऑलमोस्ट 950 से लेकर 1000 रुपीज़ तक का चार्ज आपको लगेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली है। और थर्ड ऑप्शन जो स्कूटी का है वो तो बेस्ट है, उसका प्राइसिंग और डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब ये देख के दिल में बड़ा गुदी गुदी सा हो रहा है, चलिए बढ़ते अपने राइड की तरफ। तो दोस्तों, अब ये हमारा जो राइड है वो शुरू हो गया है, और इसके बारे में क्या बताऊँ, जो मज़ा इस राइड में आया है, तो केरला आना ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। अगर आप त्रिवेंद्रम आते हैं, अगर आप केरला आते हैं, तो आपको एक बार बैक वाटर का जो मज़ा है वो ज़रूर लेना चाहिए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो मेरे साथ में एक बोट राइडर और एक गाइड बैठे हुए हैं, जो मुझे यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता जाऊँगा। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में जो जंगली फ्रूट्स यहाँ मिलते हैं उसका इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, पर हम इन्हें खा नहीं सकते। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ में एक ट्रैवल हैक शेयर करता हूँ। अगर आपको केरला आना है और आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं, तो प्री मानसून का टाइम चुनिए, इस टाइम पे आपको सब कुछ देखने में अच्छा और सब कुछ सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बोलते हैं। हमारा जो राइड है वो 1.5 आवर का है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे दूर दूर तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ करके अगर आप खाएंगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। तो अभी हम जिस जगह पर हैं, इसका नाम है नैरोकिला आइलैंड। इसके दोनों तरफ जंगल हैं, आप इसके आसपास के जगहों में रहने के लिए जगह भी बना हुआ है, आप वहां जाकर के रह भी सकते हैं, और इसका बुकिंग आपको ऑनलाइन करना होगा, वो यहां आकर के नहीं हो सकता है। बुक करके आपको बोट के ज़रिए यहां पर लेकर के आएंगे, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी। केरला का एक खासियत है यहां का हल्का सा लाल कलर का जो नारियल होता है, वो नॉर्मली आप जो नारियल देखते हैं उससे थोड़ा सा इसका जो कलर होता है वो अलग होता है और थोड़ा मीठा होता है। इस जगह पे आकर के जो आपको सुंदर नज़ारे मिलेंगे, उसमें से एक नज़ारा आपके सामने है, जी हाँ, बर्ड वॉचिंग। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इन चीज़ों का भी मज़ा लीजिए, आपको देख करके इतना अच्छा लगेगा,
शांति मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे चारों बगल आपको बर्ड्स का आवाज़ आपको आ रहा होगा, देख करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत साल पहले माइकल जैक्सन भी इस जगह पर घूमने के लिए आए थे, तो उन्हें देख करके जंगल में कहा, मारो पेड़ भी किसी से कम है के, और वो भी झुक गया। तो दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पे चीज देख रहे हैं इसका नाम है पुअर आइलैंड। ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस जगह है। इस पुअर नदी की वजह से इसका नाम पुअर आइलैंड रखा गया है। आप जो सामने घर देख रहे हैं इसे फ्लोटिंग होम कहते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली व्हीकल से नहीं आ सकते, आपको यहाँ आने के लिए बोट से ही आना होगा। और आप इसका बुकिंग जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद जो कंपनी से आपने बुक किया होगा वही आपको बोटिंग से इस जगह पर लेके आएगी। इस खूबसूरत से जगह पर आप नाइट स्टे करिए एक कभी और मज़ा लीजिए दोस्तों। आप सोचिए कि इमेजिन कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर रह के कितना मज़ा आएगा। दिस इज़ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दोस्तों। हम यहाँ पर कुछ फूड बुक करेंगे और आ करके फिर यहाँ पर उसको खाएँगे। तो दोस्तों अब आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये एकदम नेचुरल है, नेचुरल फॉर्मेशन है रॉक का जो एलिफेंट की तरह दिखता है। हाथी और चींटी का मिलन, समुद्र और नदी का मिलन। तो दोस्तों अभी आपको ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये है गोल्डन बीच, और सामने की तरफ आपको जो ये नज़ारा दिखाई दे रहा है ये है अरेबियन सी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो नदी है वो इस समुद्र से आकर के मिलता है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और ये आप जो बैक वाटर का सफ़र करेंगे उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये पॉइंट है। आपको थोड़ी देर यहाँ पे ला करके वो छोड़ देंगे ताकि आप इस व्यू को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ भी होते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए मिल जाएंगी, तो आप उसे यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप ये जो जगह देख रहे हैं ये है हमारा संगम पॉइंट। यहाँ पे आप राइट साइड देखेंगे तो आपको ये अरेबियन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, और लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो नदी है जहाँ से हम बैक वाटर करते करते यहाँ पर आए हैं, ये दोनों इस जगह पे आकर के मिल जाते हैं। तो ये वो पॉइंट है। अगर आप यहाँ आकर के जगह को अगर आप लाइव देख लिए दोस्तों तो आप यहाँ पे खो जाएंगे, तो ज़रूर एक बार यहाँ पे आइएगा। तो दोस्तों हम लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने नॉनवेज खाना ऑर्डर किया था। एक्चुअली हमने फ़िश ऑर्डर किया था जो कि यहाँ का स्पेशल है, केरला फिश के नाम से जाना जाता है। तो वो शांति से बैठ करके आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं, और मेरे पीछे भी एकदम सुंदर सा नज़ारा है। तो ये नज़ारा को एंजॉय करते हुए आप यहाँ पर फिश खा सकते हैं, या फिर आपको जो भी खाना है आइए और खाइए। सोने के रेत से सुनहरी यादों को लेकर के अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। हर हर महादेव। तो ये है हमारा अगला डेस्टिनेशन, अजीमाला शिव टेंपल। पुअर से ऑलमोस्ट यहाँ का डिस्टेंस 10 टू 12 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमारे पास में स्कूटी था, इस वजह से हमें ये बेनिफिट है कि हम जिस जगह पे चाहे उस जगह पे बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। अजीमाला शिव टेंपल शिव भगवान का टेंपल है जो कि समुद्र किनारे है। तो दोस्तों ये है भगवान शिव का बहुत ही भव्य और विशाल मूर्ति। यह केवल त्रिवेंद्रम का नहीं पूरे केरला का सबसे विशाल शिव भगवान का मूर्ति है, जो कि ऑलमोस्ट 58 फीट का हाइट है इसका, जो कि बहुत बड़ा है। तो यहाँ आने के बाद हमारे कुछ नए दोस्त बन गए
सफ़र का यही तो फ़ायदा है दोस्तों कि आपको नए दोस्त मिलेंगे और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो अब ये शिव टेंपल के आसपास का नज़ारा है, हरे भरे पेड़ और ये समुद्र, इन चीज़ों से ये घिरा हुआ है। तो आप सोचिए यहाँ पे आपको कितना ही आनंद, कितना ही मज़ा आएगा। शिव जी के टेंपल के बाहर ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह हमें देखने को मिला। लोकल लोगों से मैंने पूछा तो पता चला यहाँ पे लोग झूला बना के टांगते हैं। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो वो यहाँ आकर के मन्नत मांगते हैं। और कहा जाता है कि इस टेंपल के बाहर इस तरीके से झूला टांगने से जो मन्नत मांगता है और जो मन्नत सच्चे दिल से मांगता है तो उसका मन्नत यहाँ पे ज़रूर पूरा होता है। शिव टेंपल के जस्ट बगल में ही यहाँ पे ये बना हुआ है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ हमारा जो समुद्र का रास्ता है वो है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कोवलम बीच। उस बीच ये बहुत ही सुंदर सा हाईवे है जिसके चारों बगल हरे भरे पेड़ हैं। यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से राइट साइड लेकर के हम फिर कोवलम की तरफ जाएंगे। बस यही सोच हर मुश्किल से लड़ता रहा हूँ, धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते। मेरे उत्तर लाइट हाउस है, वो भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक जगह है। टाइम मिलेगा तो वहाँ जाने का कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जा पाएंगे। मालूम नहीं पर किसी अननोन रीज़न की वजह से बहुत सारा फिश समुद्र से बाहर निकल के यहाँ पे मरा हुआ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से कोवलम बीच की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आपको क्यों स्कूटी मैंने बुक किया उसके बारे में बताता हूँ। तो ऑलमोस्ट मुझे 600 रुपये स्कूटी लगा बुक करने का और 200 रुपये का मैंने उसमें पेट्रोल डाला, तो समझ लीजिए 850 रुपये में मैं पूरा त्रिवेंद्रम घूम सकता हूँ, वो भी मेरे हिसाब से। और अगर मैं यही कैब से घूमता तो सिर्फ मुझे स्टेशन से पुअर जाने के लिए 1000 रुपीज़ लग रहे थे, तो बाकी आप एज्यूम कर सकते हैं। और सेम अगर मैं बस के बारे में बोलूँ तो बस से अगर आप ट्रैवल करते तो एक लोकेशन जाने में ही आपका आधा दिन निकल जाता। भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख स्थलों में से एक ये है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इस टेम्पल का निर्माण 1202 में किया गया था। इसमें आपको अनंत शयन मूर्ति देखने को मिलेगी जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। ये केवल इंडिया का नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट टेंपल है। यहाँ दर्शन करने के लिए कुछ विशेष समय बनाए गए हैं, आप उन्हीं समय में आकर के मंदिर के अंदर जो दर्शन है वो कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इसका टाइमिंग चेक कर सकते हैं या फिर टेंपल के पास भी यहाँ पे डिस्प्ले में इसका टाइमिंग शो हो रहा होता है। आप नॉर्मल कपड़ों में मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको चारों बगल धोती का दुकान दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे आप रेंट पे धोती लेकर के आप अंदर जा सकते हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी केवल साड़ी ही अलाउ है, साड़ी के अलावा कोई भी कपड़ा पहन के आप अंदर नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। दिस इज़ समीरना साइनिंग आउट।